फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरी आँख से देखिए, आंसू निकल रहा है। शाम हो गई है और चाय भी बन गई है, चाय पीने का टाइम हो रहा है अभी। तो मैं बैठी हुई थी तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर आप लोगों से बात कर ली जाए। और क्या चल रहा है आप लोगों की इधर, कैसे हैं आप सब? तो देखिए, चाय हमारी बन गई है, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, चाय और नमकीन रखा हुआ है, शाम की चाय जो है बन गई है। तो मैंने सोचा थोड़ी देर चाय पीते हुए आप लोगों से बातचीत की जाए। तो कैसे हैं आप सब? तो मैं चाय पी लेती हूँ और आप लोग भी आ जाइएगा, चाय पी लीजिए शाम की। तो दुर्गा जी बैठने वाली हैं, देखिए नवरात्रा प्रारंभ होने वाले हैं और शुरुआत होने वाली है नव दुर्गे की। और इस बार कैसा मनता है पता नहीं, कोरोना के टाइम में कैसा क्या चलेगा पता नहीं, बाहर घूमने जा पाएंगे कि नहीं। इस बार शायद झांकियां नहीं बैठेंगी, और पिछले साल तो बहुत मज़े किए थे हम लोगों ने, तब तक मैं वीडियो नहीं बनाती थी। इस बार अगर झांकियां बैठेंगी तो मैं आपको पक्का भोपाल की झांकियां घुमाऊंगी कि भोपाल में किस तरीके से दुर्गा पूजा मनाई जाती है। यहाँ पे बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छा लगता है। हमारे इधर झांकियां बैठती हैं, सब लोग बैठाते हैं मिल करके, और बहुत बड़ी बड़ी आजकल झांकियां बनने लगी हैं। यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। और मेरी मम्मी के इधर तो दशहरा बहुत अच्छा मनता है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े रावण बनते हैं और बाद में उनको जलाया जाता है, बहुत सारे पटाखे वगैरह चलाए जाते हैं। तो शायद हम इस बार मम्मी के घर भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहाँ पे भी ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि रावण वगैरह तो जलने से रहा। तो इस बार देखते हैं किस तरीके से दुर्गा पूजन होती है और किस तरीके से, ज़्यादा तैयार होने का टाइम भी इस बार नहीं मिलेगा बच्चों को घूमने का भी, क्योंकि बाहर जाना तो है नहीं पॉसिबल, तो घर में ही रहना पड़ेगा। और गणपति के टाइम में तो ऐसा था कि छोटी छोटी झांकियां ला के सब लोगों ने अपने अपने घर में बैठा ली थी, लेकिन दुर्गा जी का तो ऐसा नहीं है क्योंकि उनकी सेवा जो होती है वो थोड़ी सी टफ होती है, तो सभी लोग उनको नहीं बैठाते हैं, उनकी स्थापना नहीं करते हैं। तो हमारे घर में तो नहीं होती है, बस जोत वगैरह जलाई जाती है, मेरे ससुर जी जो हैं वो जलाते हैं, पापा जी तो व्रत वगैरह रहते हैं। और फलाहार की रेसिपी तो मैं कई आपके लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और कोशिश करूँगी बहुत अच्छी बनाने की, कुछ बना के आप लोगों को दिखाऊँ। तो शाम हो गई है और देखते हैं हम क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या करते हैं, और आप लोग कैसे हैं ये बताइएगा ज़रूर। पूरा दिन इधर ही बैठे बैठे निकल जाता है क्योंकि सभी की ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रही हैं, तो शाम को ही थोड़ा टाइम मिलता है तो बाहर चल के देखते हैं कि क्या हो रहा है। और बेटी ने मेरी में पूरे खिलौने अपने घर में पूरे में बकरा के रखे हुए हैं। शाम को तो यही हालत होती है कि बच्चे जो होते हैं दिन भर में इतनी शैतानी करते हैं कि बेटी तो मेरी पूरे घर में खिलौने जो है बकरा के रखती है। अभी उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और डॉक्टर के पास जाने के बाद तो वो बहुत खुश होती है, दवाई तो इतने इंटरेस्ट के साथ में खाती है, उसको बहुत इंटरेस्ट है दवाई खाने में। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कितना फैला करके वो रखी हुई है। तो देखिए कितने फैले हुए हैं, पूरे हॉल में फैले हुए हैं, वहाँ तक देखिए लास्ट कॉर्नर तक फैले हुए हैं और इधर से लेकर के पूरा फैला हुआ है। और अलग अलग तरीके के खिलौने हैं, इसमें तो आधे ही हैं और रूम में बकरा करके आए हैं। सारी चीज़ें देखिए यहाँ वहाँ पड़ी रहेंगी, पूरे दिन हमारे घर में यही काम है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग तरीके के खिलौने हैं तो उनको जमा करके खेल ले, नहीं, उसका काम ही यही है, वो बास्केट जो पड़ी है उसमें वो भर लेती है, निकाल देती है, बस पूरा दिन उनका यही काम है। और ये देखिए वहाँ पर बैठ करके, कॉर्नर में बैठ करके बना रही है बेचारी देखिए कैसे बैठी हुई है, और बहुत शैतान है ये, बहुत ज़्यादा कार्टून भी चल रहा है, कार्टून भी देखती जाएगी और साथ साथ में इसको भी खेलती जाएगी, पता नहीं क्या बना रही है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एक्चुअली ये लैपटॉप बना रही है, इसने लैपटॉप देख लिया था तो उसी को बना रही है देखिए अपने खिलौने से। तो मैं जाती हूँ, देखिए आपको दिखाती हूँ उसको कैसे बैठी हुई है। बचपन के ये दिन ना बचपन में ही होते हैं, बड़े होने के बाद तो पता नहीं सब चीज़ गुम सी हो जाती है। ये देखिए बेफिक्र होके बैठी हुई है बिल्कुल, और दीवार से सटी हुई बैठी हुई है। ये देखिए बंद कर लिया है मुझे देख करके कि मैं अपना लैपटॉप आपको नहीं दिखाऊंगी। और डिनर के लिए देखिए मैंने क्या बॉईल किए हैं, एग।
एग की रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, अंडा करी की जो रेसिपी थी, तो आज मैं अंडा करी बनाऊँगी। तो ये देखिए मैंने 6 एग जो हैं बॉईल कर लिए हैं, 4 एग की मैं सब्जी बना लूँगी और 2 एग बच्चों को खाने के लिए दे दूँगी। तो ये नमक और मसाला डाल के वो लोग खा लेते हैं। तो ये देखिए उनको जुकाम भी है, जुकाम में आप लोग भी अपने बच्चों को जो है एग बॉईल करके दें, हाफ बॉईल करके, उससे जुकाम में जो है अगर कफ है तो ना दें, और कफ ना है तो थोड़ा ठीक हो गए हैं जुकाम, तो ये कफ को निकालने में बहुत हेल्प करता है। और ये देखिए लहसुन प्याज और अदरक का जो है इसमें मैंने पेस्ट बना लिया है, ये चॉपर में मैंने उसको मिक्स कर लिया था, ग्राइंड कर लिया है। और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ क्योंकि मिक्सर वाला जो होता है ना वो टेस्ट नहीं देता है ज़्यादा अच्छे से, तो मैं इसी तरीके से इसको चॉपर में कर लेती हूँ और इसके बाद बनाती हूँ। अब देखिए रिफाइंड ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें ये जो मिक्स किया हुआ मसाला था उसको डाल देंगे। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई जाती है जो नॉर्मली घर में खाई जाती है, लेकिन बहुत टेस्टी लगती है, बहुत यम्मी होती है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं चलाते हुए इसको मंदी आंच में भून लूँगी, और ये भूनता है तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैं मसाले में क्या क्या डालूँगी वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए नमक मिर्च और हल्दी लिया है मैंने, धनिया पाउडर। तो ये देखिए इसमें मैंने डाल दिया है 1/2 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच जो है मिर्च लाल वाली, और 2 चम्मच मैं इसमें डालूँगी धनिया पाउडर। तो इसी तरीके से इस मसाले को मैं बना लूँगी और इसको मैं गीला कर दूँगी। तो आप अपने स्वाद के अनुसार जो है मिर्च को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। तो देखिए मैंने पानी भी भर लिया है और गरम मसाला मैं इसमें डाल दूँगी। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो ये देखिए इसको हम गीला करके रख देंगे, और जब लहसुन प्याज हमारा भुन जाएगा तो उसमें अब हम इसको डाल देंगे। लहसुन प्याज हमारा भुन गया था तो मैंने इस मसाले को इसमें डाल दिया है, अब इसको भी मंदी आंच में भूनेंगे। और सभी की रेसिपी एक जैसी है, जब मसाला ऑयल छोड़ने लगेगा तो समझ लीजिएगा कि मसाला भुन गया है। तो ये देखिए इसी तरीके से चलाते हुए मैं मसाले को भून लूँगी, और जब ऑयल छोड़ने लगेगा तो समझ लीजिएगा कि मसाला भुन गया है। मेरा मसाला देखिए अब ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, और देखिए पूरी तरीके से उसने ऑयल छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें जो हमने एग छील लिए थे उनको मैं डालूँगी। तो देखिए अभी से कितनी यम्मी दिख रही है, और इस तरीके से मैं एग जो है डाल दूँगी इसमें और हल्का सा चलाऊँगी उनको। ये देखिए एग को मैंने हल्का हल्का सा उनमें छेद कर दिया है ताकि मसाला थोड़ा अंदर तक जाए। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसको चला दूँगी, और चलाने के बाद में इधर रोटियां भी बन रही हैं, मेरी जो बहन है वो रोटियां बना रही है। हम दोनों बहनें मिलके जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोगों को पढ़ना भी रहता है। तो ये देखिए रोटियाँ भी लगभग बन गई हैं, वो इधर रोटी बना रही है, मैं इधर सब्ज़ी बना रही हूँ, दोनों मिलके जल्दी काम कर लेते हैं और जल्दी फिर पढ़ाई कर लेते हैं इसी तरीके से। तो ये देखिए, और मेरी बहन से भी मैं आपको मिलवाऊंगी, वो मेरी बहुत हेल्प करती है, और मेरे बच्चों की मेरी इस टाइम में वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। कि देखिए मैंने अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें पानी डाल दिया है, वैसे मैंने 1 गिलास ही पानी इसमें डाला है, बट आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसमें पानी डाल दें। और इधर देखिए रोटियाँ हमारी बन रही हैं, रोटियाँ बन गई है, ये लास्ट रोटी बची हुई है। तो देखिए नाइट हो गई है, और डिनर में मैंने क्या बनाया वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो सब लोगों ने डिनर जो है कर लिया है, और देखिए बाहर अंधेरा हो गया है। तो मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ क्योंकि रात हो गई है और बच्चों को भी सुलाना है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, और इसी तरह हमारी फैमिली में बने रहें और हमारी फैमिली को जितना हो सके बड़ा करने की कोशिश करें। और आप लोग इसी तरीके से मेरा साथ देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और इसी तरीके से मुझे देखते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।